हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल लो मैथ्स। हियर यू विल गेट मैथ वीडियोस फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद कोट, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू लर्न द मैथ प्रॉपरली देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, सेट्स। सो व्हाट इज सेट? एक सेट क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो सेट होता है वह एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। सो वी हैव टू नो व्हाट इज वेल डिफाइंड। द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड इज दैट द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट, और जिन चीज़ों का वह कलेक्शन है वह सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए कलेक्शन कुछ और है और दूसरे के लिए वह कलेक्शन कुछ और हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ सिंपल एग्जांपल। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आप बाजार जा रहे हो, ठीक है। आप बाजार से कुछ सब्जी लाते हो, आप एक थैला लेके जाते हो, उसमें कुछ आलू लाते हो, टमाटर, बैंगन, गाजर और दूसरी सब्जियाँ। तो जो थैला होगा उसको हम सेट कहेंगे, और जो उसके अंदर होंगे थैले के अंदर उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। सो दिस इज अवर कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। इस कलेक्शन में क्या क्या हैं? आलू, टमाटर, बैंगन, गाजर, ये सभी सब्जियाँ इस सेट में इंक्लूडेड हैं। और यह सभी चीज़ें सभी के लिए वेल डिफाइंड होंगी। आप किसी भी से भी पूछेंगे तो वह आपको यही बताएगा कि इसमें आलू, टमाटर, बैंगन, गाजर और सब्जियां ही हैं। बट जब हम बात करते हैं बेस्ट क्रिकेटर्स के कलेक्शन की, ऐसा कलेक्शन जिसमें दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स शामिल हों, तो इट वुड नॉट बी अ सेट बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एज फॉर मी, बेस्ट क्रिकेटर विल बी अदर देन यू। फॉर मी बेस्ट क्रिकेटर इज रोहित शर्मा। मैं रोहित शर्मा को लाइक करता हूँ। आप विराट कोहली को पसंद कर सकते हैं, एबीडी विलियर्स या फिर किसी और को। तो जो कलेक्शन होगा बेस्ट क्रिकेटर्स का वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं होगा, हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। हैंस The collection of best cricketers in the world is not a set. Further, we are going to discuss some more other examples given in NCERT book of sets. So first example is odd numbers less than 10. तो odd number जो 10 से कम होते हैं वह होते हैं 1, 3, 5, 7 and 9. तो यह set होगा क्योंकि यह सभी के लिए well defined है. Reverse of India. सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी कई नदियां हैं जो सभी के लिए डिफाइंड हैं। तो यह भी एक सेट होगा। द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट में केवल पांच ही वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यह भी सभी के लिए एक समान होते हैं, तो यह भी सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल्स 6 प्रकार के होते हैं, तो यह भी एक सेट होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो 210 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे तो यह आएंगे 2, 3, 5 और 7। तो यह भी एक सेट होगा। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आपको प्राप्त होंगी, 2 एंड 3। तो इसके सॉल्यूशंस का भी सेट होगा, वह एक सेट होगा जो कि वेल डिफाइंड होगा। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम सेट क्यों कहते हैं। सेट होते हैं बाय कलेक्शन होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। जो चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं, सभी के लिए आइडेंटिकल एक जैसी होती हैं, उनके कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। इन मैथमेटिक्स देयर आर सम साइंस विच आर फिक्स्ड फॉर द सेट्स ऑफ नंबर्स। ऑन द स्क्रीन यू मे सी द साइंस विच आर यूज फॉर डिफरेंट नंबर्स। एज यू सी द एन इज यूज फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स
z is used for set of all integers, q used for all rational numbers, r for real numbers, z with a positive sign is used for positive integers, q with positive signs is used for positive rational numbers, and r with positive sign is used for positive real numbers. The next question comes, how to represent a set? Ek set ko represent kaise kare? So sets are represented by two forms. First is roster method, it is also known as tabular form, or second is set builder form. So at first we are going to discuss roster form. Roster form kya hota hai? In this we write the elements of a set. Hum ek सेट के एलिमेंट को लिखते हैं जो कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल. तो हमको एक सेट लिखना है नेचुरल नंबर्स का जो 42 को डिवाइड करते हैं. सो वी विल राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42. सो दीज नंबर्स आर 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42. So we will write all these numbers separated by comma and will close them in a curly bracket. So this is how the roster form is represented. Let's discuss another example. So in this example we have to write the set of all vowels in English alphabets. So English alphabets mein जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू. तो हम इनको लिख देंगे कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे और एक कर्ली ब्रैकेट में इनको क्लोज कर देंगे. तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा. लेट टेक अनदर एग्जांपल. तो इसमें हमें लिखना है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें सेट लिखना है. तो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं इसलिए हम उनको लिख नहीं सकते. तो हम उसके आगे के कुछ एलिमेंट लिख देंगे और उस लिख के पीछे 3 डॉट लगा देंगे और इसको हम ब्रैकेट के द्वारा क्लोज कर देंगे. तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 3 5 डॉट 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 और इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे. तो यह कुछ एग्जांपल हो चुके हैं रोस्टर फॉर्म के. Further, we are going to discuss about set builder form of set representation. तो हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके बाद एक्स लिखते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन लिखते हैं. तो इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स. इसके बाद हम लिखते हैं बाय रूल जिसके द्वारा एक्स डिफाइन हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल हमें यह लिखना है, हमें एक सेट को रिप्रेजेंट करना है वॉवल्स का जो इंग्लिश के सभी वॉवल्स का. तो हम आगे लिखेंगे एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो हम इसको पूरा पढ़ते हैं All set of x. इसके बाद हम सेमी कॉलन को पढ़ते हैं such that. तो यह हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है all set of x. उन x का कलेक्शन such that जो ताकि x is a vowel in English alphabets. उन सभी x का कलेक्शन जो English alphabets में एक vowel है. तो इस तरीके से set builder form में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट डिस्कस अनदर एग्जांपल. वी हैव टू राइट अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 12. इसको हमने रोस्टर फॉर्म में भी चेक किया था, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में करने जा रहे हैं. तो वह नंबर्स जो 42 को डिवाइड करते हैं वह हैं 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42. ये हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिखा था बट इसमें हम ऐसा नहीं लिखेंगे. इन नंबर्स को नहीं लिखना है हमें, इसमें हमको ऐसा लिखना है
ऑल सेट ऑफ एक्स। सबसे पहले हमको एक एक्स लिखना है, इसके बाद सेमी कोलन यूज करना है, उसके बाद फिर से लिखना है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 12। हमको केवल इसकी डेफिनेशन लिखनी है एक्स की, जो एक्स डिफाइन हो रहा है, मतलब उन सभी का हमको रियल कलेक्शन नहीं लिखना है, वैसे हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो 42 का डिवाइड करता है या जिसका डिवाइड 42 में जाता है। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। सो इन दिस वी हैव टू राइट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमको भी फिर से ऐसा ही करना है, हमको एक ब्रैकेट का यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट का, उसके बाद एक्स का यूज करना है, फिर सेमी कॉलन लगाना है। तो इसका मतलब होता है ऑल सॉर्ट सेट ऑफ एक्स सच डैट, तो ऐसे सभी एक्स का कलेक्शन जो जिस ताकि एक्स इज एन ऑड नंबर, हम इसको आगे लिखेंगे एक्स इज एन ऑड नंबर, ऐसे सभी एक्स का कलेक्शन कि एक्स एक ऑड नंबर है, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ वी हैव लर्नड द डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई एलिमेंट एक सेट के अंदर है या नहीं, वेदर एन एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन अ सेट और नॉट। तो यदि कोई एलिमेंट है वो किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि यह एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम उस एलिमेंट को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एनी रैंडम एग्जांपल ए जो किसी सेट को बिलोंग करता है, लेट से अनदर अ सेट इज बी। इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बी के अंदर है, मतलब जो ए है वह सेट बी में है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, इन दोनों के बीच में एक एप्सिलॉन का साइन बना देते हैं। इसका मतलब होता है ए बिलोंग्स टू बी, जो ए है वह बी का एक एलिमेंट है। यदि ए बी का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यहाँ पर एप्सिलॉन का साइन बनाते हैं और इसको एक लाइन के द्वारा क्रॉस करते हैं, इसके बाद हम उस सेट का नाम लिखते हैं जिसमें यह इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे हम लिखते हैं कि यह ए है वो बी के अंदर है या नहीं, ए बी को बिलोंग करता है या नहीं, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और दूसरे वाले साइन को हम बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो इस वीडियो में हम देख चुके हैं सेट्स, उनका रिप्रेजेंटेशन और उनकी डेफिनेशंस, और अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास की। यदि आप भी 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आगे ही ऐसी ही मैथ की वीडियो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ यह वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन दी नेक्स्ट।